Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं दुबई के AC सब्जी मंडी में और इसका जो एड्रेस है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो चलिए देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सब्जियाँ डिस्प्लेड हैं और क्या क्या अवेलेबल है. पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है अभी तक तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा. तो इस वेजिटेबल मार्केट की सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो वहाँ के स्पेशल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं वेरी इजीली. उसके अलावा यहाँ पर जो बेसिक ग्रोसरी आइटम्स होते हैं वो भी हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बल्क क्वांटिटीज़ में भी आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं. उसके अलावा देर आर ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा किचन का सामान भी है. आगे आपको दिखेगा दिस इज़ रॉ हनी and a huge variety of things that are available here. And as you can see, यहाँ पे काफ़ी सारे food items रखे हुए हैं. So these are mostly Thai food और जो वहाँ के special noodles हैं. So pre-mixed sauces भी हैं यहाँ पे. और ये जो आप देख रहे हैं this is their kitchen storage items और bottles वगैरह. Next they have a small bakery और उसके बाद यहाँ पे also you can see all the Chinese and Thai food. Along with fruits and vegetables, they also provide a huge variety of laundry articles, cleaning items, kitchen items. As you can see, all of that is also available there. ये जो है individual sellers हैं, they have got their own carts. और इनसे आपको जो भी लेना होता है यू कैन बाय एंड यू हैव टू पे हियर इटसेल्फ इन कैश. सो यहाँ से मैं कुछ फ्रूट्स पिक कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं. एंड दिस इज़ अ कैश पेमेंट जो टिल पर नहीं होता है, इनको इंडिविजुअली ही आपको पे करना होता है. सो दिस वॉज द क्रिसमस ईव जब हम लोग वहाँ पर गए थे. एंड लुक एट द ब्यूटिफुल फ्लावर्स दैट दे हैड डिस्प्लेड और फ्लावर्स के साथ में ही दे हैड रोजेज और दे ऑल्सो मेक फ्रूट बुकेज एक्चुअली. सो ये जो है ये एक स्ट्रॉबेरीज का बुके बनाया हुआ था उन्होंने, विच वॉज एब्सोल्यूटली मेस्मराइजिंग. As I told you that they have a huge variety of imported fruits and vegetables. So ये जो चीज़ थी ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी और I was so shocked and mesmerized by it actually. I was कि ये क्या है भाई, पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा हमने उस तरीके के vegetables और fruits कुछ यहाँ पर available हैं. So काफ़ी अच्छा experience था हमारा यहाँ का. बच्चों ने भी देखा कि भिंडी और गोभी के अलावा भी दुनिया में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अवेलेबल हैं. एंड दिस इज़ अ सेक्शन जहाँ पे आप लोगों को अपनी क्वांटिटी पिक करनी होती है एंड देन यू कैन वे एंड पे फॉर देम एट द टिल. प्री पैक्ड यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं. और ये जो सेक्शन है इनका दिस इज़ देयर बारबेक्यू सेक्शन. सो बारबेक्यू के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था. फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आप बारबेक्यू कर सकते हैं और ये बारबेक्यूज़ हैं यहाँ के, पिट्स हैं एंड लाइट्स एंड वॉट नॉट. ऑल्सो यहाँ पे अवेलेबल हैं देसी मुर्गी के अंडे और इसके अलावा प्री पैक्ड वेजिटेबल्स भी हैं यहाँ पे. और ये जो एरिया था ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था यार, मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से हटूँ.
तो यहाँ पे आ गए हैं अब हम इनके बुचरी सेक्शन में, जो काफ़ी क्लीन है. इट इज़ वेरी वेरी नीट और काफ़ी सफाई से यहाँ पे काम होता है. सो दे हैव फ्यू प्री पैक्ड यू नो बारबेक्यू के लिए हैं, और आप यहाँ से कट करवा के भी ले जा सकते हैं. और ये हैं यहाँ के लोकल पिकल्स, जिसमें ऑलिव्स हैं और भी काफ़ी सारे यू नो पिकल्स हैं यहाँ पे अवेलेबल. यहाँ पे मुझे देखिए एक परफ्यूम की छोटी सी कियोस्क जो पहले नहीं थी, एंड दिस गाय अलाउड मी टू शूट अ लिटिल बिट. तो इनके यहाँ पे जो है नीचे जहाँ से धुआं निकल रहा है उसे ऊद कहते हैं, जो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस का होता है. एंड फाइनली वी आर एट द टिल. अब कैश काउंटर पे आ गए हम लोग, और हम आइकिया से ये बड़े वाले ब्लू बैग्स हमेशा लेके चलते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ बैग्स प्लास्टिक वाले. सो यहाँ पे बस कुनाल अपना सारा सामान जो हम लोगों ने लिया है, ही इज़ पुटिंग ऑल ऑफ दैट इन द कार्ट, एंड वी आर डन. वेल, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड एज आई ऑलवेज से, अप टिल नेक्स्ट टाइम, जय राम जी की.